Hey everyone, welcome back to Anupriti's Craving and Crafting. आज हम एक स्कार्फ बनाने जा रहे हैं जो देखने में कुछ ऐसा लग रहा है और पहनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह का आएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. इसके लिए हमें थोड़ा मोटे क्वालिटी का ऊन चाहिए होगा और दो गोले ऊन एक साथ चलेंगे इस बुनाई में. ये एक छोटा सिरा है जिसको मैं टेल बोलूँगी आज के अभी के बाद, और ये जो बड़ा एंड होगा जो कि ऊन के गोले से अटैच होगा उसको हम हेड बोलेंगे. तो इस तरह से हमें एक सबसे पहले लूप क्रिएट करना है. पहली तीन उंगलियों में हम ऊन को इस तरह से घुमाकर एक पहला लूप क्रिएट करेंगे और फिर उसे अपने हाथों में डाल लेंगे फंदे की तरह. इस तरह से इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे. अब हम जो दो सिरे मिले हैं उसमें से जो टेल है यानी कि जो छोटा सिरा है उसे अपने अंगूठे पे रखना है और जो बड़ा सिरा है ऊन के गोले से अटैच उसको अपनी पहली उंगली पे रखना है और राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर का यूज़ करते हुए एक नया लूप क्रिएट करना है, ठीक उसी तरह जैसा कि अभी आपको मैं दिखा रही हूँ. ये देखिए, अगेन अंगूठे और पहली उंगली की हेल्प से हम एक और लूप क्रिएट करेंगे. इस तरह से करते हुए हमें टोटल 8 लूप क्रिएट करने हैं. हर बार एक नया लूप जब भी हम क्रिएट करेंगे तो उसे हम थोड़ा टाइट करते जाएंगे ताकि हमारा जो शुरुआत हो उसमें बहुत झोल ना आए. ये देखिए, मैंने टोटल 8 लूप इस तरह से क्रिएट कर लिए हैं. अब शुरू करते हैं इसकी बुनाई. जो हमारा टेल है उसे अब हम किनारे हटा देते हैं क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, और जो हेड वाला सिरा है उसको राइट हैंड में पकड़ के और जो पहला लूप है उसके ऊपर से ले जाके बाहर करेंगे और एक नया लूप क्रिएट करेंगे. इस लूप को हम अपनी तरफ मोड़ लेंगे और फिर अपने लेफ्ट हैंड में डाल लेंगे. इस तरह से ये पहला फंदा हमारा बुन गया है. सबसे ज़्यादा जो ट्रिकी है वो यही स्टेप होता है, ये थोड़ा लूज़ हो जाता है तो इसको लूज़ होने से हमें बचाना चाहिए. नेक्स्ट देखिए, ठीक उसी तरह से राइट हैंड में हम अपना एक सिरा पकड़ के और उसके ऊपर से फंदा बाहर करेंगे और एक नया लूप क्रिएट करेंगे. इस तरह से ये दूसरा फंदा हमारा बुन गया है. इसे थोड़ा थोड़ा सा टाइट करते हुए चलना है ताकि झोल ना आने पाए. ठीक इसी तरह से हम तीसरा फंदा बुन रहे हैं, ये देखिए, और इसे भी अपनी तरफ मोड़ के हमें लेफ्ट हैंड में डाल लेना है. इसी तरह से करते हुए हमें 8 फंदे अपने बुनने हैं. पहली लाइन बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि ये थोड़ी सी टाइट होती है और हमें टाइट करने की ज़रूरत भी होती है ताकि झोल ना आने पाए. अदरवाइज़ इसके बाद ये थोड़ा थोड़ा लूज़ पड़ जाएगा और हम आराम से इसे एक हाथ से दूसरे हाथ में बुनाई कर सकते हैं. ये देखिए, ये सातवां है. और बस अब लास्ट, हर बारी एक फंदा बुनने के बाद हमें उसे अपने साइड मोड़ना पड़ेगा. पहली लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है. अब दूसरी लाइन के लिए भी हम सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे. इस बार हमें बाएं हाथ में डोरी को पकड़ के और उसके ऊपर से फंदे को बाहर ले जाना है और एक नया लूप क्रिएट करना है. ये देखिए,
जब भी नया लूप क्रिएट करेंगे उसको अपनी तरफ मोड़ना ना भूलें, ताकि पूरी बुनाई एक जैसी आए। साथ साथ उसे थोड़ा थोड़ा टाइट टाइट जरूर करते रहें। ये देखिए, दो बार बुनने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। नेक्स्ट अगेन हम वही प्रोसेस करेंगे जो हमने पहली बार बुनाई करते वक्त किया था, सेम वही प्रोसेस करना है। राइट हैंड में डोरी को पकड़ना है और फंदों को उसके ऊपर से पार ले जाते हुए नए नए लूप क्रिएट करते जाने हैं। ये देखिए, अब ये काफ़ी लूज़ हो चुका है और आराम से एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है। देखिए अभी कितना फास्ट होने लगा है। ये देखिए, तीन लेयर बुनने के बाद ये कुछ इस तरह का हुआ। 14 लेयर के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये लेयर अगर आप चाहें तो यहीं पे एंड कर सकते हैं और एक सिंगल रोल का स्कार्फ आपका तैयार हो जाएगा, लेकिन मैं इसे जस्ट डबल करूँगी। मुझे डबल रोल वाले स्कार्फ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पहली बार बुनने में इसे लगभग 1 से 1.5 घंटा लग सकता है, लेकिन उसके बाद एक बार जब आपकी आदत बन जाएगी तो ये आधे घंटे में आराम से बनाया जा सकता है। ये देखिए, अब ये डबल राउंड बनाने के लिए तैयार हो चुका है। लगभग 28 टाइम्स मैंने इसको बुना है तब ये इसकी लेंथ इतनी आई है। आप चाहें तो इससे थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे इसे एंड कैसे करना है। सबसे पहले हमें दो फंदे उसी तरह से बुनने हैं जैसे हम अभी तक बुनते आए हैं। ये देखिए, दो फंदे बुन चुके हैं। अब इसमें जो ये दोनों फंदे दिख रहे हैं आपको एक के बाद एक, सेकंड वाले को एक के ऊपर से ले जाते हुए हमें गिरा देना है, यानी कि अब हमारा एक फंदा कम हो चुका है। इसी तरह से आप अगला फंदा बुनिए और उसको भी अपने लेफ्ट हैंड पे डाल लीजिए। अब जो सेकेंड वाला फंदा बचा हुआ है उसको नए वाले फंदे के ऊपर से ले जाते हुए गिरा देना है और फिर अगेन हमारे हाथ में एक ही फंदा बचा है लेफ्ट हैंड में। इसी तरह से अब हम एक और फंदा बुनेंगे और उसको भी अपने लेफ्ट हैंड पे लेकर आएंगे और फिर जो पहले वाला फंदा बचा हुआ है उसको नए वाले फंदे के ऊपर से ले जाते हुए गिरा देंगे। इस प्रोसेस में हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है ऊन को, अदरवाइज़ ये सिरा हमारा बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, तो इसे थोड़ा लूज़ ही रखेंगे यहाँ पर। और इसी तरह करते हुए हमें लास्ट में केवल एक फंदा मिलेगा। ये देखिए, अब ये एक सिंगल फंदा हमारे पास बचा है, बाकी का हमारा वो पूरा हो चुका है एंड।
कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसे जोड़ना सीखेंगे। सबसे पहले तो ये जो लास्ट फंदा बचा है उसको हम लंबे वाला सिरा जो हमारा है ऊन का उसके थ्रू निकाल के और कट कर लेंगे और एक गांठ लगा देंगे यहाँ पे। ये देखिए ये हमारा सिरा बंध चुका है, अब इस तरह से ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब चलिए इसको बांध लेते हैं। इसका ये आपको दिख ही रहा है कि अब इसका लुक कैसा हो गया है। इसमें दो तरफ का जो हमारा स्कार्फ है ये उल्टा सिरा है और ये वाला सीधा सिरा है, तो उल्टे सिरे से इसको हम लेकर और तब बांधेंगे। जो अभी हमारा ऊन का सिरा हमने कट किया है उसी से हमको इसे बांधना पड़ेगा। ये देखिए उसको हम दूसरे सिरे में ले जाके और क्रॉस क्रॉस कर करके बांध देंगे। इसके लिए हमें वी शेप का जो सबसे लास्ट का सिरा है हमारा, ये वी शेप दिख रहा होगा आपको, इसमें से इसको डालना है और फिर दूसरा जो हमारा सिरा है स्कार्फ का उसमें से भी वी शेप सर्च करना है जस्ट अपोजिट और उसके थ्रू इसको ले जाना है। और बस इसी तरह से हम पूरा ये प्रोसेस करते जाएंगे। ये देखिए यहाँ से भी मैंने हर दोनों तरफ के सिरे से एक एक वी शेप का फंदा उठाना है और उसके आर पार ले जाके इसे बांध देना है। यहाँ पर हमें ऊन का वो वाला सिरा मिलेगा जो हमने सबसे पहले फंदा डालते वक्त छोड़ा था। अब इन दोनों को हम आपस में बांध देंगे, दो गांठ लगाएंगे ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए। अब जो बचा हुआ ऊन है उसको हम बीच के फंदों के बीच से ले जाके थोड़ा सा लंबा सा रख के काटेंगे ताकि इन फ्यूचर इसमें कभी इसको लूज़ होने का डर ना रहे या खुलने का डर ना रहे, थोड़ा इसकी सिक्योरिटी और बढ़ जाएगी। ये देखिए इसी तरह से बीच में ले जाके कट करने से वो जो एंड होगा वो दिखेगा भी नहीं। सेम ऐसा ही मैंने दूसरे वाले सिरे के साथ भी किया है और उसे काट दिया है। ये देखिए ये हमारा इन्फिनिटी स्कार्फ बन के तैयार हो चुका है। पहनने के बाद इसका लुक बेहद खूबसूरत आता है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।